सभी बच्चे बोलिए लोग सर। को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों, सभी बच्चे लोग को, है यस ना? सर, यस यस सर। सर, ओके, तो अगेन बच्चों, सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? यस हम आपका ऑर्गेनिक का 12th का ऑर्गेनिक पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज हेलो एल्केन और हेलो एल्केन पर पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पे क्या क्या चीज पढ़ा बच्चों? हमने, आप बोलोगे, हमने यहाँ पे बहुत सारे चीज हमने पढ़ाई किया, बहुत सारी चीज पढ़ाई किया, लेकिन क्या हमें सारा चीज इम्पोर्टेंट बच्चों, सारी चीज को याद करना है? मैं बोलूंगा हाँ, सारा चीज आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो आपका इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है इस चैप्टर के, वो आपको बेसिक पता होना चाहिए बच्चों। अभी इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट क्या है बच्चों, एक्सपेक्ट क्या है बच्चों, आप क्या बोलोगे? मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको ये बोला, जो भी आपके बेसिक नेम रिएक्शन है, जो भी आपके बेसिक नेम रिएक्शन है, उन सारे नेम रिएक्शन का नाम आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए उस नेम रिएक्शन हो क्या रहा है। सेकंड आपको क्या बोला बच्चों? सेकंड आपको मैंने ये कहा कि जो आपका रीजन्स होता है, जो आपका रीजन्स होते हैं, वो रीजन्स के बारे में पता चलना चाहिए कि कौन से रीजन से हमारा क्या बन रहा है, ठीक है ना? क्योंकि हमने एक प्लूरिनेशियल पार्ट देखा, फ्रॉम अल्टा और एड्रेशन हमने देखा, फिर हमने मार्कोनिको रूल के बारे में पढ़ाई किया, फ्रेंकलिस्टन रिएक्शन के बारे में पढ़ाई किया, स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में पढ़ाई किया, हंस डेकर रिएक्शन के बारे में पढ़ाई किया। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ाई किया। तो बेसिक क्या बच्चों, आपको इन सब का आपको नेम पता होता, इन सब का आपका रीजन में आप पता होना चाहिए और क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए बच्चों। और आप अगर कल आपको पूछे कि बच्चा मुझे बताओ, जो हमने कल फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन पढ़ाई किया था, है ना, फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन पढ़ाई किया था, उसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा था? उसमें हमारा आयोडो एल्केन बन रहा था, फ्लोरो एल्केन बन रहा था, कि ब्रोमो एल्केन बन रहा था? आपके आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका आंसर है आपका आयोडो। क्या होना चाहिए आपका? आयोड आयोडो एल्केन बन रहा था। तो ये क्या बच्चों, ये आपका बेसिक टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए। आप पूछेंगे इसमें हम वहाँ पे रीजन कौन से यूज करते, आप क्या बोलोगे? सोडियम आयोडाइड। और सॉल्वेंट क्या था बच्चों? एसीटोन आपका सॉल्वेंट था। ये क्या बच्चा आपका? एसीटोन, दैट इज CO, CH3, CO3, ये क्या आपका? ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है ना? तो ये सब आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये सब आपका बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, ओके? ये पता होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ाई किया बच्चों? फिर हमने ये पढ़ाई किया कि आपका जो IUPAC नेम, जो आपका IUPAC नेम्स है, जो आपका IUPAC नेम्स है, एंड जो कॉमन नेम, जो कॉमन नेम है, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कॉमन नेम के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ से आपका एग्जाम में कभी कुछ पूछ जाता है। और देखो अगेन बोलूंगा, सबको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी आपका टेक्स्ट बुक के अंदर है, आप खाली उतना भी आप परफेक्टली कर लोगे तो मैं गारंटी बोलता हूँ, मैं गारंटी बोलता बच्चों, आपका 150+ के ऊपर गारंटी मार्क्स आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो पढ़ना प्रॉपरली समझ समझ पढ़ाई करना, ये हमने पढ़ाई किया था, ये हमने इसके पढ़ाई किया। और मैं आपको क्या बोला बच्चों? आईएसओ प्रोपाइल क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है, टर्ड ब्यूटाइल क्या होता है, नियो पेंटाइल क्या होता है, उस सब का भी मैंने आपको ट्रिक बताया। तो बेसिक वाले पार्ट के बच्चों, हमने ये पूरा पढ़ने तो हमने पढ़ाई कर लिया, ठीक है ना? फिर डार्सन रिएक्शन क्या होता है, लुकास रीजेंट क्या होता है बच्चों, ये सब आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों? डन, इतना पार्ट सारा यस बच्चों। सर, तो अभी यस सर, हमने इस चैप्टर में, हमने यहाँ तक इतना पढ़ाई के लिए। अब देखो, अभी ना आपको बेसिक टर्म के बारे में पता होना चाहिए बच्चों, जिससे एक हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और एक आपका न्यूक्लियोफाइल, एक हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, आपको हमेशा बोलेंगे फैकल्टीज, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन लविंग, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ चार्ज। ये, हाँ, इस पे क्या आएगा बच्चों? इस पे क्या आएगा, मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब क्या होगा बच्चों? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब हम बात करते हैं इसके बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे उस पर हम क्या, जैसे न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे उस पर आपका माइनस चार्ज क्या होगा बस में? इसमें आप क्या बोलोगे? इसमें क्या होगा नेगेटिव आपका? चार्ज, एक्सेस क्या होगा आपका? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका यहाँ पे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? मतलब क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इलेक्ट्रोफिल आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इतना पर से पूछा, मैं समझ गया बच्चों? हाँ या ना? यस सर, यस यस सर। ओके, अब देखो बच्चों, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताएंगे। अब देखो, और आपको जैसे आपको एग्जाम पूछेंगे
कि वो जिसे वाला पार्ट है सीएल माइनस है, ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? तो आप क्या बोले बच्चों, ये कैसा है, ये आपका ये न्यूक्लियस। कैसा, ये न्यूक्लियोफाइल है। बिकॉज कि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सीएल माइनस है, मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो क्या हुआ, इसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या रहा है, ये इस सामने क्या रहा है, आपका सामने इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। फिर आपका क्या बच्चों, सी एन माइनस, साइनाइड माइनस हो गया, वाटर हो गया, ओएच माइनस, ये क्या होता है बच्चों, इस सर आपके न्यूक्लियोफाइल, ये इससे क्या है बच्चों, आपके सारे न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बच्चों, तो आप ये बोलोगे जिस भी मॉलिक्यूल में क्या आपका होगा पॉजिटिव साइन आएगा, क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहिए, उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इतना पार्ट सारे बच्चों समझ गए, पार्ट डन। यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। दूसरे को बच्चों एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं वेट कर रहा हूँ दूसरे। सॉरी बच्चों कुछ इश्यूज आ गया था, कोई बात नहीं, क्लास के लिए ओके फाइन। एल पार्ट, अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं इस एल पार्ट के, अब देखो क्या लिखा है बच्चों, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बार बात कर। अब देखो जब हम इस चैप्टर बारे पढ़ाई करते हैं, ओके ये दिख रहा है बच्चों, एल पार्ट, ये पार्ट दिख रहा है सारे बच्चे? यस सर। यस यस। अब देखो अब यल पार्ट, यहाँ पे क्या बच्चों, ये यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आप एक्स्ट्रो, मतलब एक्स्ट्रो मतलब क्या होगा बच्चों, कोई भी हैलोजन ग्रुप होगा, क्या होगा बच्चों, कोई भी हैलोजन ग्रुप आएगा बच्चों। अब हो क्या रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपका बेंजीन रिंग है, ये क्या बच्चों, ये आपका बेंजीन रिंग है बच्चों। अब इसमें क्या बच्चों, इसमें क्या है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा ये जो, ये क्या होगा बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो क्या ये क्या हो जाए बच्चों, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, और सामने जाओ बच्चे क्या ऐड करे बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन कमी होगी। अब देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये एल पार्ट, जैसे एल पार्ट देखिए बच्चों, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बेंजीन बना, बेंजीन ऊपर क्या आपका क्लोरीन बच्चों। अब मुझे बताओ क्लोरीन का आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते बच्चों, कितना होता है क्लोरीन का आउटर मोस्ट में, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेवन एक दो सेवन तीन चार पांच छह, देखो सात 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, एक क्या हुआ, एक के क्या, एक ने इससे बॉन्ड बना लिया। अब क्या बच्चों, अब इसके पास 3 लोन पेयर है, क्या बच्चों आपका यहाँ पे 3 लोन पेयर बच्चों। अब होता क्या बच्चों, देखो क्या होगा, ये जो आपका लोन पेयर है, क्या करेगा ये जो लोन, क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे ये यहाँ पे नीचे आएगा, कहाँ पे, ऐसा बॉन्ड नहीं। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो कहाँ पे जाएगा, ये आपका इससे हट जाएगा, तो कैसा होगा, ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ये बोलोगे जो क्लोरीन के पास जो लोन पेयर थे, क्या गया बच्चों, वो आपका रिंग में जा रहा है, उससे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो रिंग में क्या बन रहा है, रिंग में आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अब होता क्या बच्चों, मान के चलो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ये यहाँ पे अटैक करेगा। समझे बच्चों हमने ये वाला पार्ट कैसे किया सारे बच्चे? यस सर। ओके अब देखो ये जो आपका रेजोनेंस वाला पार्ट है, ये मैं आपको कल जब आप क्लास होगा तो मैं और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझो यहाँ पे इलेक्ट्रोफल क्या है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोफल क्या है बच्चों, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपका एक्स ये दिख रहा है बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफल कैसे बना बच्चों, ऐसे बना होगा, दैट इज देखो ये एक्स है और ये एक्स है, हाँ है ना बच्चों, ऐसे होगा ना, एक्स मतलब क्या होगा, यस सर। अब क्या होगा यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे आपका एक हेट्रोलेटिंग बॉन्ड क्लिक, क्या होता है आपके यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीव होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीव, क्या हो बच्चों ऐसा होगा, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होता है, क्या हो, ऐसा होगा बच्चों, कैसा होगा, एक क्या बनेगा, एक बनेगा आपका एक्स नेगेटिव होगा, एक क्या होगा आपका एक्स पॉजिटिव होगा, तो क्या होता है बच्चों, ये जो आपका एक्स पॉजिटिव क्या क्या होगा बच्चों, ये आपका रिंग में जाकर अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या तो आपको पैरा क्वेश्चन पर अटैक करेगा बच्चों। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बेंजीन है, आपका जो बेंजीन रिंग हमने यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे ऑर्थो पैरा ग्रुप कहाँ पे होता है, मान के चलो यहाँ पे कोई ग्रुप एक्स है, तो क्या होगा बच्चों, कहाँ पे होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका ऑर्थो, ये होगा आपका पैरा, सॉरी ये होगा आपका मेटा, और ये होगा आपका पैरा। अब क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा मेटा, ये हो जाएगा आपका ऑर्थो,
है बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना बच्चों, जब हम क्या करते हैं, जब हम आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट कराते हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों? या तो वो ऑर्थो पे करेगा, या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा, या तो कहाँ अटैक करेगा बच्चों? या तो आपका पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा। समझ गए बच्चों ये पार्ट? हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर, यस सर, देखो, यस सर, अब जैसे एल पार्ट देखो, एल पार्ट देखो, एल पार्ट देखो, ठीक है बच्चों, ये आपका ग्रुप है, ये कैसा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या होगा बच्चों, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, मतलब क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ये आपका ऑर्थो है, ये आपका मेटा है, ये आपका पैरा है, ये आपका मेटा है, और ये आपका ऑर्थो, और ये आपका पैरा है, तो क्या बच्चों, सामने सामने क्या होता है आपको, ये अल्फा होता है, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्या ध्यान रखना है, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है, तो अगर मैं बोलूँ, अगर आप बेसिक बेसिक इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, या तो आपका सीएल माइनस हो गया, सॉरी, या तो आपका सीएल प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब आपका एक्स प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, या तो आपका एनओ टू प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, या तो क्या बच्चों होगा, आपका एस ओ थ्री एच प्लस, क्या होगा बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब सर इलेक्ट्रोफाइल आपने गलत नहीं लिख दी, ऑर्थोमेटा पैरा। सही यस तो लिखा है सर, पैरा ऊपर और नीचे। सर ऊपर ऑर्थो के बाद पैरा है। हाँ, ये आपका ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा है, ठीक सर है, आमने सामने नहीं। गलत लिखा है क्या? सर फिर पैरा के बाद ऑर्थो। हाँ नहीं सर, ठीक है हाँ सर, ठीक है, ठीक ही ठीक है है, ठीक है यार, सर, अब एक्स लिखा है फिर तुम लग अलग रहा ही है अलग। सर। एक्स हमने मतलब नीचे को ले आया ना, ऑर्थो की जगह हाँ जहाँ एक्स हाँ थी, हाँ ओके यस तो हो ओके गया। ओके, बताओ वापस बता दो, जैसे यहाँ मान के नहीं, मैं चलो ऊपर ये वाले में बोल रहा हूँ, 1 मिनट ये ऊपर, निकाल लो। उसमें हम एक्स अब नीचे ले देखो, आए ना, इसलिए लग रहा सर है ना। आपने अब पैरा लिख देखो, दिए। अब देखो क्या कहते हो इसको, देखो ये पार्ट कैसा, देखो ये पार्ट ऐसा है ना, ये आपको आपको ऑर्थो लग रहा है, आप यार आप उसको सीधा कर दो, आप इसको ऐसे कर दो, ऐसे लिखो, ये टेंडा है सर, हाँ टेढ़ा है ना, टेढ़ा है ना, उसको सीधा कर दो ना, ऐसा यस ये ऐसा कर दो, अब सही है केशव, ऐसा ले सकते हैं ना, है कि नहीं? हाँ, यस सर, अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या होगा, ये आपका ऑर्थो हो जाएगा, ये आपका मेटा हो जाएगा, और ये आपका पैरा हो जाएगा, पैरा हो ऐसा, जाएगा और ये क्या होगा बच्चों, ये भी आपका मेटा होगा, ये आपका हो मेटा जाएगा ऑर्थो, और ये आपका पैरा हो ऑर्थो। जाएगा, ऐसा। सच पढ़ा बच्चों, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने आपको ये बोला, आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक्स वो कहाँ पे हो बच्चों, या तो ऑर्थो पे होगा, या तो पैरा पे होगा, बिकॉज क्या होता है बच्चों, जब हम बेंजीन बना करते हैं तो क्या होता है, उसमें रेजोनेंस आता है, और क्या होता है, जो आपका रेजोनेंस होता है उससे क्या होता है बच्चों, जो आपका रिंग है, जो आपका रिंग क्या होता है, क्या होगा बच्चों, रिंग पे आपका ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है आपका, क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो वहां पे होगा, और वहीं पे आपका क्या होगा, यहाँ या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए बच्चों? हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर, समझ गए। यस सर, यस जस्सिका सर। सरिता सर तमन्ना, नेगेटिव ओके, चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आएगा ना? हाँ वो खाली वहीं पे आएगा, खाली वहीं पे ओके आएगा, सर, ठीक है ना, ये अब वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, अभी खाली आप समझो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये पार्ट हमने पूरा पूरा पढ़ लिया, अब देखो ये पार्ट, अब देखो ये क्या बच्चों, अब इसका नाम क्या है, अगर बोलो इसका नाम क्या बच्चों, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है टोलुइन, क्या नाम है इसका बच्चों, टोलुइन इसका नाम, बी तो क्या क्या बच्चों, टोलुइन में क्या किया मैंने, टोलुइन में आपका मैंने मतलब क्लोरेशन किया, किससे पैसे बच्चों, आयरन के पैस में, और आपका डार्क मेटल, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका ऑर्थो और पैरा पैस में आपका हेलोजन ऐड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ये पार्ट, इसको आपको पता रखना पड़ेगा, ओके। सर, डार्क में की मतलब ये समझ जाए, अंधेरे में। ये उसे कंडीशन है, ये आपके कंडीशन है, ये आपको पता चलेगा, डोंट वरी, पता चलेगा, तो अभी इतना वो मत समझो, खाली अभी समझो कि ये क्या हो रहा है, कभी कभी डार्क लेते, कभी डार्क लेते, ये भी आप ध्यान रखो, तो वैसे होता है, कोई शोक सर डार्क कुछ, डार्क मतलब डार्क रूम के अंदर, ऐसा अच्छा जैसे हम बोलते हैं ना, कीप द मेडिसिन कोल्ड एंड डार्क, यस सर, हाँ इसलिए अभी केशव ने एक आंसर दिया, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं इस, हाँ बोल सकते, क्या होता है सर के रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, इसलिए उसको डाक, डोंट वरी, उसको मैं प्रॉपर बताऊंगा, अब देखो
ये क्या बच्चों, ये आपका एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। ओके बच्चों, ध्यान समझना हम कैसे कर रहे हैं। ये क्या बच्चों, ये आपका तीन चार स्टेप का, ये आपका तीन चार स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे डट दे दीजिए बच्चों। देखो यहाँ पे क्या बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अनिलिन। क्या नाम है, इसका नाम है बच्चों अनिलिन, इसका नाम है। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका बेंजीन है ऊपर क्या बच्चों एनएच टू, तो उससे क्या कहेंगे बच्चों, उससे कहेंगे आपका अनिलिन। क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम अनिलिन कहेंगे। हेलो हेलो हेलो, यस यस सर, यस यस सर, यस सर, एनीवन, यस सर, ओके। यस सर, यस। हाँ अनिलिन कहेंगे। अब देखो ये पार्ट, अब देखिए पार्ट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। जैसे क्या बोलते बच्चों, जिसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम हलाइड, या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, या आपको सॉल्ट बोलते हैं बच्चों। अब देखो ये कब होगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, अगर आपके लोग एनिल लोगे और क्या लोगे बच्चों, एन ए एन ओ टू लोगे, आप वहाँ पे एन ए एन ओ टू लोगे और क्या लोगे, कोई भी ऐसे लोग आप टेम्परेचर रखोगे बच्चों आपका 0 से 5 डिग्री, तो क्या होगा बच्चों, क्या बनेगा, तो वहाँ पे आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा बच्चों। फिर क्या होगा बच्चों, फिर वहां पे बेंजीन, जैसे आपका क्या बना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना, क्या होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पे आपका रीजन क्या आएगा बच्चों, कोई भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, या तो सीएल होगा तो बी, कैसा हो सकता है बच्चों, सीओ टू सीएल टू, या तो सीओ टू बी आर टू, तो हो गया बच्चों। क्या आपने क्या बनाया, आपने बना आपका क्या बना आपका, आपने अराइल हलाइड के यहाँ पे प्रिपरेशन किया। अब देखो बच्चों एग्जाम आपको कैसे, एग्जाम आपको कैसे पूछेंगे, अब देखो आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे, देखो आपको बोल देंगे ऐसा कि आपको बेंजीन से क्या करना है, पहले से आपको ऐसा दे देंगे, बेंजीन दिया होगा, ऐसा दिया होगा HNO3+H2SO4, ये दे दिया होगा, और बोलेंगे आपको ये क्या बना, ये आपको बना ए। फिर क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका बी, बी क्या होगा बच्चों, बी होगा आपका यल बार। बेंजीन के ऊपर क्या बच्चों, ये है आपका अनेस्ट। अब क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे हमने लिया आपका एन ए एन ओ टू प्लस एच सी एल, और टेम्परेचर क्या रखा बच्चों, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर रखा है, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर रखा है 0 से 5 डिग्री, और ये क्या बना, ये बना आपका सी। सी क्या है, अब फिर आपको ये बोलेंगे यल पार्ट, आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे सी यू टू बी आर टू, और बोलेंगे आप बनाओ ये मुझे बताओ टी, आपको एग्जाम पूछेंगे ए क्या है और डी क्या है, तो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो होता क्या बच्चों, आपको है ना प्रॉपरली हर एक पार्ट के पता चलना चाहिए कि हम इसमें कर क्या है। अब देखो ध्यान समझ में कैसे कर रहा हूँ, अब देखो ये क्या बच्चों, ये मुझे बताइए तो क्या एक बच्चों, बार जिन फिर से बता दूं, मतलब कैसे हाँ बता पूछेंगे। रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बता रहा बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। अब ये क्या बच्चों, इसका नाम क्या है, आप क्या बोलोगे, बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन। ये क्या बच्चों, बेंजीन क्या। अब देखो बेंजीन में क्या क्या बच्चों, मैंने कौन सा रिजल्ट ऐड किया है, HNO3+H2SO4, तो आपको हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये क्या बच्चों, ये होता है आपका क्या होता है, ये होता है आपका नाइट्रेशन। मतलब क्या होगा आपका बेंजीन क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप का ऐड होगा, तो कैसे होगा बच्चों, ये क्या बनेगा आपका, ए बनेगा आपका बेंजीन के ऊपर क्या होगा बच्चों, आपका NO2 ग्रुप आ गया। ठीक है, अब देखो अगर आपको बेंजीन ऊपर क्या आ गया, आपको NO2 ग्रुप आ गया, आप क्या करना है बच्चों, आपको NH2, मतलब आपको वहां पे हाइड्रोजन ऐड करना है। क्या करना है बच्चों, आपको वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो तब कौन सा रिजेंट आएगा बच्चों, तब यहाँ पे रिजेंट आता आपका, यहाँ पे आता आपका SN या कोई मेटल, और यहाँ पे लिखोगे आप, लिखोगे रिडक्शन। क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होगा बच्चों, क्या बन जाएगा बेंजीन पे, क्या बन जाएगा आपका NH2 बन जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपका, आपने क्या बेंजीन पे क्या कर दिया बच्चों, NaNO2 ऐड कर दिया, और आपका SN ऐड किया, और आपको इतना टेम्परेचर ऐड किया बच्चों, तो क्या बन, क्या बनेगा बच्चों, तब आपको बनेगा आपका बेंजीन पे क्या बनेगा बच्चों, आपका बनेगा आपका टाइज, क्या बनेगा आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। अब ये कैसे बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या बच्चों NH2, तो क्या बनेगा आपका ऐसा होगा, देखो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या बनेगा बच्चों आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अभी कैसे आपको वापस रिपीट करना, पर आप समझो भी कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा। अब देखो रीजन क्या बच्चों, ये आपको रीजन दिया है बच्चों, तो क्या बनेगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर आएगा आपका ये बार बेंजीन आएगा, और बेंजीन पर क्या आपका आएगा बी आर, ये आपका आंसर बच्चों, ये आपका आंसर आएगा। तो ऐसे क्या होगा आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टेप होगा, आपको क्या पूछेंगे, आपको बताएंगे ए क्या है बी क्या है किससे क्या हो रहा है, वो आपको पता चलना चाहिए। जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना, आपको सब पता चलेगा कि
कि कब कौन से में क्या बनने वाला आपका। ठीक है बच्चों, डन। सर हम पेपर यस में भी ऐसे मतलब सर। जैसे हमने गोलधारा बनाया ऐसे पूछा जाएगा किसी हाँ एग्जाम ऐसे दो पूछा, एग्जाम ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा। हाँ केशव, हाँ कुछ सर, बोल रहे थे। हमें एक सीधी लाइन में दिया होगा कि गोलधारा में जैसे आपने बनाया ऐसे नहीं जो नहीं 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 लाइन में दे सकते हैं, जैसे भी मैं स्टेप बाय स्टेप देंगे, पर ऐसे देंगे आप। केशव आप कुछ पूछ रहे थे, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? सब सारे भाई समझ गए पार्ट? यस सर सच में समझ गए क्या? एक ही बात में समझ गए, क्या बात है। ओके पूरा तो नहीं सब पर थोड़ा सा हाँ गया, हाँ ओके रिएक्शन में थोड़ा सा हाँ गया। ओके हाँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो, सब ध्यान समझ में क्या बता रहा हूँ। देखो ये क्या बच्चों, ये जो आपका ये जब क्या होता है, जो जब आपका जो क्या होता है आपका होता है NH2, उससे क्या कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे उससे? हम कहेंगे आपका एनिलिन। क्या बोलेंगे इसको? हम एनिलिन कहेंगे। क्या एनिलिन कहेंगे? एनिलिन कहेंगे। अब देखो एनिलिन में क्या डाला, कौन सा एजेंट डाला डाला बच्चों? NaNO2, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ पे कोई भी एसिड होगा। और यहाँ पे एसिड कौन सा हो सकता है बच्चों? या तो जहां तक मैंने देखा है, या तो HCl होता है, या तो आपका HBr होता है। ठीक है, यस क्या होगा बच्चों? या तो HCl होगा, या तो HBr होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर देखो कितना बच्चों, 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या होगा, ये केल्विन में दिया गया है, ये आपका केल्विन की, यहाँ केल्विन में दिया बच्चों। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ना बनता आपका डायजोनियम, क्या होता है आपका डायजोनियम सॉल्ट बनता है बच्चों। ये डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है बच्चों, क्या होता है? कुछ नहीं होता, आपने लिया बेंजीन, ऊपर क्या ऐड किया बच्चों, आपने वहां पे ऐड किया आपका N2+, और यहाँ पे X-। अब एक्स से सोचो, मान के आपने लिया Cl, तो क्या बने बच्चों, क्या बनेगा? यहाँ बने आपका सीएल नेगेटिव सिल नेगेटिव, ये बने आपका सिल नेगेटिव। तो ये क्या, इसका नाम क्या होगा बच्चों, क्या होगा? इसका नाम होगा आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या नाम नाम होगा बच्चों? बेंजीन डायजोनियम बेंजीन क्लोराइड, प्लूटोनियम डायजोनियम क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। अब देखो अब क्या हो बच्चों, अब जब क्या होगा, अगर आप क्या हो गए, अगर आप क्या होते हो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, क्या ऐड करते हो बच्चों? ये ऐड करते हो, दैट इज कॉपर का मिक्सर ऐड करते हो। क्या होगा, मान के आपने ये ऐड किया, दैट इज CO2 Br2 ऐड किया, क्या बनेगा बच्चों आपको? फाइनल आंसर क्या बनेगा बच्चों? आपको बोलेगा ब्रोमो बेंजीन। क्या बने आपका? ब्रोमो बेंजीन ऐड करेगा। सेकंड में क्या बच्चों, अगर आपने ये ऐड किया, मान के चलो ऐड किया, दैट इज CO2 Cl2 ऐड किया, तो क्या बने बच्चों, क्या बने आपका? यहाँ बने आपका क्लोरो बेंजीन। क्या बने आपका? बनेगा क्लोरो बेंजीन। ये जो रिएक्शन है, इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम होता है आपका, क्या नाम होता है इसका? नाम होता है बच्चों सैंड सैंड में में स्टीम रिएक्शन होता है। क्या होता है आपका? सैंड में रिएक्शन होता है। अब देखो ये कब होगा बच्चों, देखो जब अगर आपको, देखो अगर आपको CO2 Br2 दिखाई दिया, तो क्या बने बच्चों? ये बनेगा, दैट इज ब्रोमो बेंजीन। क्या आपका बनेगा? Br2 के अटैक होगा। और आपको ये दिखाई दिया, दैट इज CO2 Cl2, क्या होगा आपको वहां पे? क्लोरीन अटैक करेगा बच्चों। अब देखो लेकिन अगर आपको क्या ऐड करना है, आपको आर्डिन ऐड करना बच्चों, तो क्या होगा आपका रिएजेंट, क्या होगा आपका रिएजेंट चेंज हो जाएगा। कौन सा रिएजेंट आएगा बच्चों? यहाँ पे आपका, यहाँ पे आएगा आपका पोटेशियम, क्या आएगा यहाँ पे आपका? पोटेशियम आयोडाइड आएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका यहाँ पे? आयडो, पोटाशियम ने क्या बनेगा आपका? आयडो बेंजीन, क्या बनेगा आपका? आयडो बेंजीन बनेगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका सैंड में रिएक्शन। इतना पढ़ बच्चों समझ पे पड़ा बच्चों? हाँ या ना? यस सर आ गया सर समझ। यस फिर 2 मिनट रुकना है यहीं पे। हाँ दोस्तों बिल्कुल। अभी बच्चों मैं इसको वापस प्रॉपर लिखूंगा और आपको बताऊंगा हम कैसे स्टेप बाय स्टेप ध्यान समझने में कैसे बता रहा हूँ। हम भाग नहीं रहे, अब ध्यान समझना हम ये रिएक्शन कैसे होगा। देखो ये जो रिएक्शन है, ये आपका 13 चैप्टर रिपीट होगा, सेम रिएक्शन है आपका 13 चैप्टर में रिएक्ट, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, रिपीट होगा, और इवन 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। तो देखो ये जो ये किस्सा, ये आपके रिपीटेशन पार्ट है, इसलिए आप जितना हो सकता समझो, कोशिश करो, आपको पता चलेगा। ठीक है, हो गया सर अब देखो बच्चों ये अल्पाक, मान के चलो आपको एग्जाम ये देंगे, क्या देंगे बच्चों आपको? ये देंगे, दो सर उसको मिटा देता हूँ। मान के चलो आपको एग्जाम ऐसे देंगे कि आपको ये क्या बोलेंगे, आपको ये बोलेंगे, आपको दिया गया होगा, आपको दिया गया होगा आपका, क्या दिया गया बच्चों? होगा नाइट्रो बेंजीन दिया गया होगा। आपको क्या बोलेंगे?
आपको बनाना है, क्या बनाना बच्चों, आपको बनाना है ये वाला पार्ट, दैट इज आयोडो बेंजीन बनाना है। तो कैसे करें बच्चों, देखो तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको हमेशा ध्यान में बच्चों देखो, अगर आपको क्या दिया आपका, अगर आपको नाइट्रो बेंजीन दिया है और क्या बना, आपको बेंजीन पर एनएच2 ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा रिडक्शन, क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाई एना, यस एनओ। यस सर, अब देखो यस रिडक्शन कौन करता है बच्चों, मेटल आपका रिडक्शन करते हैं, क्या होगा बच्चों, आप कोई मेटल ऐड करो, कौन सा मेटल ऐड करते बच्चों, करते हैं या तो हम एसएन यूज करते हैं या तो हम आयरन यूज करते हैं, क्या बच्चों, अब क्या होगा, ये बेंजीन था ना बच्चों, अब क्या बनेगा ऊपर एन टू, क्या बनेगा, अब ये बनेगा येलो पार्ट, दैट इज बेंजीन आएगा, उसके ऊपर क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका NH2, क्या बनेगा आपका NH2 बनेगा, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका एन, क्या बन गया आपका एनिलीन बन गया। अब क्या बच्चों, आपको इनसे क्या बनाना, आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, वो बना दो, क्या करो बच्चों, कुछ नहीं करना, क्या करोगे, आप देखो यहाँ पे एन ए एनओ टू सोडियम नाइट्रेट प्लस एच सी एल, और क्या किया बच्चों आपने, 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया, तो क्या बने बच्चों, ये बने, दैट इज सिस्टम, दैट इज बेंजीन, ऊपर क्या है बच्चों आएगा N2+ Cl-, अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, क्या होगा नाम होगा बच्चों, बोलो बेंजीन, क्या नाम बोलो बच्चों, क्या होगा बेंजीन बेंजीन, डाइजोनियम हैलाइड क्या देखो क्या नाम है, बेंजीन डाइएजो, डाई क्यों बोला बच्चों, बिकॉज आपका दो डाइअमोनियम नाइट्रोजन, क्लोराइड। नाइट्रोजन किया तो क्या होगा एजो, क्या होगा इसका नाम एजो आएगा। देखो जब भी आपका नाइट्रोजन, अब क्या होगा एजो ऐड करें, क्या होगा बेंजीन डाई एजोनियम, क्या बच्चों क्लोराइड है, तो लिखो यहाँ पे क्लोराइड, सर यहाँ पे डायाजो मतलब वो उसके नाइट्रोजन का आएगा। हाँ बेंजीन लिखा और एन टू मतलब क्या होगा बच्चों, डाई एजो मतलब कि दो नाइट्रोजन, इसलिए तो डाई एजोनियम, और लास्ट लास्ट में क्या सर लिखा, सी लिखा एजो है, तो क्या होगा क्लोराइड इसका नाम आएगा, ये बन गया, अब डाइजोनियम क्लोराइड बन गया बच्चों। अब क्या करना बच्चों, अब क्या करना होगा बच्चों, अब आपको ये बनाना है, क्या डालना, ये बनाना है, आपको पूछेंगे यहाँ पे आप कौन सा यूज करो बच्चों, तो कौन सा यूज करो बच्चों, आप करोगे पोटेशियम पोटेशियम हाइड्राइड, आयोडाइड, क्या करोगे डाइसमाइड। पोटेशियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा बच्चों, आपका आयोडो बेंजीन बन जाएगा, और क्या होगा आपका, आपका यहाँ पे नाइट्रोजन गैस यूज होगा, और एक कैसे रिएक्शन बच्चों, ये रिएक्शन का नाम आपका सैंड में, ये आपका सैंड में रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम बच्चों, ठीक है, तो सारे बच्चे इसको प्रॉपर नोट डाउन करो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डन, लिया है सारे बच्चे ने कर लिया, दिव्या यस भी, सर। ओके दिव्या भी आ गई, चलो अच्छी सर बात वैसे इसको सैंड मेयर क्यों है, बोलते हैं मतलब? साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट ने निकलता इसके लिए उसका नाम आ गया बस, और कुछ अच्छा सर, अब देखो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन पढ़ा और हेलो अरिन पढ़ी, अगर पढ़ते बच्चों अब उसका हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करते हैं, जैसे आप प्लीज मेरी हेल्प करोगे बच्चा, यस सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 1, प्योर हेलो एल्केन्स आर कलरलेस, ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन्स आर कलर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए। ओके सेकंड पॉइंट पढ़ा बच्चा, सेकंड, हेलो एल्केन्स हैविंग 1, 2, और 3 कार्बन एटम्स आर इन द गैसीय स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। हेलो एल्केन्स हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम्स आर लिक्विड्स और सॉलिड्स। तो ये बेसिकल पार्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। अभी एग्जाम पूछते भी नहीं, क्वेश्चन कहाँ से आता है बच्चों, क्वेश्चन आपका आता है कहाँ से, आपका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन आता है। हाँ पढ़ो बच्चा इसको जरा। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 1, हेलो एल्केन्स हैव हाईर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देन द पेरेंट एल्केन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन हेलो एल्केन। अब देखो अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, क्या लिखा है, यहाँ देखो लिखा होगा, अभी जिसने पढ़ा हेलो अल्केन्स आर द हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द मेल्टिंग देन पेरेंट अल्केन, क्या लिखा बच्चों, पेरेंट अल्केन बोला है। अब मान के चलिए अगर मैं आपको ये इसकी बात करता हूँ, CH3 CH2 CH3 राइट, आपके आपके लिखा बच्चों, मैंने ऐसे लिखा दैट इज CH3 CH2 CH2 Cl, मान के चलो मैं ऐसे लिख दिया,
अभी क्या बचा, ये इससे बना ना, ये आपका इससे यहां से बना है, तो क्या बचो, यहाँ पे भी आपका तीन कार्बन है सिर्फ और यहाँ पे भी तीन पेंटलकेन कार्बन। क्या होगा यहाँ पे? पैरेंट मतलब जहां से बना है, जैसे जैसे आपके पेरेंट्स के आपके मम्मी पापा है ना, तो हमने हैलोइड यस का, तो हमने हैलोइड, हमने हैलोइड कहाँ से बना है बच्चों, उससे कहने पैरेंट अल्केन से बनाया ना, तो ये क्या बच्चों, ये क्या आपका, ये आपका अल्केन है, ये क्या बच्चों, ये आपका अल्केन राइट बच्चा, तो अल्केन से क्या बना आपका हैलो एरिन अल्केन बना, मतलब उसने हैलोज ऐड किया, तो क्या हुआ, ये होगा आपका पैरेंट अल्केन का। आगे पढ़ो बच्चा, सेकंड पॉइंट। यस सर। सेकंड, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द हेलोजन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ओके आगे पढ़ो, ये पढ़ो बच्चा, एग्जांपल पढ़ो उसका। एग्जाम्पल CH3I इज ग्रेटर देन CH3Br इज ग्रेटर देन CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F। तो ये क्या है बच्चों, ये जो आपका एग्जांपल है बच्चों, ये एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, ये एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये आपका आएंगे पास। ठीक है, हाँ थर्ड पॉइंट पढ़ो बच्चों, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उससे क्या होगा बच्चों, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका बढ़ जाएगा बच्चों। समझ गए सारे बच्चे, डन। यस सर। अब देखो आयोडीन, आयोडीन कैसे बच्चों, आयोडीन का मास ज्यादा है ना, अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ऊपर से क्या होता है, एटोम क्या होता है, बढ़ता है ना, मतलब क्या वजन बढ़ेगा है ना। आगे पढ़ो बच्चा, ये पढ़ो बच्चा। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ओके अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये अल्पट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका एक, ये देखो ये, इसमें आपका एक ही हेलोजन है, इसमें आपका दो हेलोजन है, दो क्लोरीन है, इसमें तीन है और इसमें आपका चार है। तो क्या बच्चों, जैसे आपका होगा, आपका क्या होगा, आपका हेलोजन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी आपका बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ठीक है बच्चों, कैसे बढ़े बच्चों, बिकॉज उसका क्या हो रहा है, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है। समझे सर बच्चे ये अल्पट, यस सर, डन। यस यहाँ पे सर, यस सर, यहाँ पर किसी बच्चे को डाउट है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो पूछ सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा किसमें नो। होगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा बच्चों, सबसे ज्यादा आयोडीन होगा। ठीक है ना, फिर क्या बोलो, बोला बोला बच्चों, जैसे आपका हेलोजन बढ़ता है क्या आपका, आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी बढ़ता जाएगा। समझिए अल्पार्ट बच्चों, सारे सारे बच्चे डन। यस सर, यस सर। फोर्थ पॉइंट पढ़ो बच्चा प्लीज, जैसे पढ़ो द जरा। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनो हेलो एल्केन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एक कार्बन एटम है, यहाँ पे आपका दो कार्बन एटम है और यहाँ पे आपका तीन कार्बन एटम है। तो इससे क्या बच्चों, क्या होगा बच्चों, जैसे आपका क्या होगा, आपका कार्बन एटम बढ़ते जाएगा तो क्या होगा बच्चों, आपका उसका बॉइलिंग और मल्टीपल क्या होगा आपको बढ़ते जाएगा। किसके बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम मोनो की बात करें, यहाँ पे डाया ट्राई की बात नहीं करें, किसके तेरे बच्चों, यहाँ पे मोनो की बात करें। इतना पार्ट सारे सर बच्चे समझ गए बच्चों? सर थर्ड पॉइंट में भी तो ऐसा ही है ना यस कि हेलोजन बढ़ता रहेगा तो बढ़ता रहेगा, तो इसमें कार्बन का कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे हेलोजन है ना, यहाँ पे हेलोजन आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन सेम है लेकिन हेलोजन अलग है ना, नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ गया ना। समझा, समझो कि जिससे नहीं समझो, यस सर। यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यहाँ पे आपका हेलोजन बढ़ रहा है, कार्बन सेम है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बच्चो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, पर क्या बच्चो, मतलब यहाँ बोलो बोलो। नहीं, मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि कार्बन भी बढ़ सकता है। बढ़ सकता है लेकिन फिर दो दो सिंपल सी बात क्या बच्चों, आपका मास हम बढ़ेगा तो हेलोजन आपका देखेंगे तो हम आपके मास कार्बन में कट देखेंगे, होगा। हम हेलोजन देखेंगे। हाँ देखो, दो सिंपल सी बात है, एग्जाम में ना कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जो कंफ्यूज हो जाए आपको, एग्जाम में या तो ये पूछेंगे या तो ये पूछेंगे या तो ये पूछेंगे, सबको मिक्स नहीं कर देंगे। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आ रहा? तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, जिसका मास ज्यादा होगा उसका ज्यादा आएगा। यस सर। अभी अल यस, पार्ट, अभी जो फिफ्थ पॉइंट है ये पढ़ बच्चा, ये फिफ्थ पॉइंट पढ़ो जैसे। अमंग आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन द अल्काइल ग्रुप। विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग द मॉलिक्यूल अटेन्स स्फेरिकल शेप विद लेस सरफेस एरिया। एज अ रिजल्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीक रिजल्टिंग इन पावर बॉइलिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये आपका आईएमबी पॉइंट है। अब देखो बच्चों, अब इसके अंदर क्या देखो, यहाँ पे देखो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका आईएमपी एग्जाम्पल हो चुका है। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन बच्चों, यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे चार कार्बन है और एक हेलोजन,
यहाँ पे भी चार कार्बन है और एक हेलोजन, यहाँ पे भी चार कार्बन है और एक आपका हेलोजन, राइट बच्चा? सब में चार कार्बन है, हेलोजन। लेकिन होता क्या बच्चे, देखो जैसे क्या होगा, जैसे आपका मतलब छोटा हो जाता, क्या होगा आपका छोटा मतलब क्या, ब्रांचिंग हो गया, सब में ब्रांच तो छोटे हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, उससे क्या होगा, उसका जो सरफेस है वो घट जाएगा। तो आपका जैसे आपका सरफेस घट जाता, क्या होगा आपका, क्या होगा आपका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वो कम हो जाएगा, इससे क्या होगा आपका वॉल्यूम बॉडी घट जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये कैसा बच्चों, ये अल्फा, इसका नाम है क्या बच्चों, इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा आपका क्लोरो क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या आपका क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम, इसका नाम क्या बच्चों, टू क्लोरो ब्यूटेन, क्या नाम बच्चों, इसका नाम टू क्लोरो ब्यूटेन बच्चों। ये क्या बच्चों, ये आपका टर्ट टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना कि आपका। तो यहाँ पे क्या हो रहा बच्चों, जैसे आपका क्या आपका ब्रांचिंग बढ़ गया, तो क्या हो बच्चों आपका क्या होगा, उस कंपाउंड का सरफेस छोटा हो जाएगा और आपका इंटरमोसोफिक हो जाएगा, आपका बॉन्ड पेयरिंग घट जाएगा। इससे क्या है बच्चों, इसका ज्यादा है, इससे कम है और इसका और भी कम है। इतना सब कुछ समझ गया बच्चों, पार्ट ये आपका इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये जो ब्रांचिंग वाला पार्ट है, ब्रांचिंग से लेके बॉन्ड पेयरिंग, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, एक बार वापस पढ़ो जैसिका, ब्रांचिंग वाला पार्ट एक बार वापस पढ़ो जरा। ब्रांचिंग द मॉलिक्यूल अटेन्स स्फेरिकल शेप विद लेस सरफेस एरिया एज अ रिजल्ट द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीक रिजल्टिंग इन लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये पार्ट समझ गए बच्चे, सारे बच्चे डन ना, दिव्या सर एक बार रूपा बता दो, सर एक बार यहाँ पे क्या बोला गया बच्चा, देखो अब मान के चलो ये मैं बनाया CH3 CH2 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 Cl है CH2 ना, ये Cl ये मैंने बनाया, एक मैंने ऐसा बनाया CH3 CH Cl और यहाँ पे लिखा CH। अगर मैं पूछूं ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, अगर मैं पूछूं किसका वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, सारे बच्चे फर्स्ट बताओ वाली जरा, का, क्या होगा फर्स्ट फर्स्ट वाले वाली का का, फर्स्ट का ज्यादा है। क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका स्ट्रेट लाइन में क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ब्रांचिंग आ रहा है, क्या यहाँ पे बट आपका ब्रांचिंग आ रहा है, तो ब्रांचिंग से क्या हो रहा है बच्चों, आपका जो मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया है क्या हो रहा है, वो आपका सरफेस एरिया घट रहा है, इससे क्या होगा आपका जो इंटो क्या जो आपका इंटर मॉलिक वो आपका वीक हो गया, इससे क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा, डन बच्चा पार्ट समझ गए? ओके okay. देखो यस सर तो ये आपको इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, इसको आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं सॉलिबिलिटी के बारे में। पढ़ो जरा बच्चों ये पार्ट, सर मैं पढूं, सॉरी नहीं जैसे पढ़ेगी जैसे आवाज एकदम, उसके बाद पढ़ लो, बाद में पढ़ो। सॉलिबिलिटी सर पढ़ने तो इनको हाँ चलो लिख, अकेले पढ़ो, क्या बात है, जैसे यह दिलदार इंसान है, पढ़ यहाँ बोले पढ़ो। हेलो एल्केन्स आर, पढ़ो। हेलो एल्केन्स आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। ओके क्या बोला बच्चों, हेलो एल्केन्स आर द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो पोलर मतलब क्या होता है बच्चों, ये मुझे बताओ, पोलर और नॉन पोलर के बीच में क्या होता है, कौन बताएगा पोलर का मतलब क्या होता है? देखो एक के लिखे बच्चों, एक लिखा मैंने पोलर, एक लिखे मैंने नॉन पोलर। अब मुझे बताओ पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होता है? हाँ केशव बताइए जरा। सर पोलर में सर चार्जेस डेवलप होते हैं, मतलब पोलैरिटी होती है, और नॉन पोलर में नहीं। इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका चार्ज का डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा यहाँ पे आपका नो चार्ज, इसमें आपका चार्ज नहीं आएगा, इसमें आपका चार्ज नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल के बच्चों यहाँ पर देखो, जैसे आपने लिखा CH3 CH2 CH2 Cl, अब यहाँ पे चार्ज कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन में चार्ज डिफरेंस आएगा है ना, इसमें क्या, इस पे आपका पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे आपका पार्शियल पॉजिटिव आएगा, हाँ है ना बच्चों? तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया पोलर, ये क्या बन गया आपका पोलर बन गया, ठीक है ना। अब नॉन पोलर क्या होगा बच्चों, जैसे मैं बात करता हूँ ये पार्ट, जैसे मैं बोलता हूँ CH3 CH2 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 CH3, ये क्या बच्चों, इन सब में कैसा है, इन सब में कैसा, इन सब में आपका कार्बन कार्बन चेन है ना, इन सब में आपका कार्बन कार्बन चेन, इसमें क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कोई भी आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो क्या होगा
यहाँ पे आपका चार्ज फंस गया, तो क्या यह होगा आपका नॉन पोलर ऑफ पार्ट। समझ वाला, ये बात समझ गए सर, बच्चों? है यस सर, यस सर, लेकिन हाँ, यस सर, यहाँ पे यहाँ पे इम्पोर्ट पढ़ के लिखे बच्चों, देखो ये लिखा है जो आपका हेलोरकिन है, तो क्या करता है बच्चों, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसोल्व जाएगा, लेकिन ये पानी में क्या होगा, ये पानी में नहीं घुलने वाला। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। क्यों बच्चों? ये आपका हाइड्रोजन, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ये आप पता होना चाहिए। ओके आगे पढ़ो बच्चा, डेंसिटी पढ़ो बच्चा। डेंसिटी फ्लूइड अल्काइल हैलाइड्स आर हायर देन दीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, तो क्या लिखा बच्चों, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड अल्काइल हैलाइड्स आर हाइयर। अब देखो डेंसिटी जिसका डायपोल मोमेंट होता है वो पोलर होते हैं एकदम से बिल्कुल। अब अगर मैं आपको बोलूँ वाटर कैसा है, वाटर आपका पोलर है कि नॉन पोलर है बच्चों, तब क्या बोलोगे? वाटर आपका पोलर है, कैसा आपका पोलर पोलर है, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है बच्चों, उसमें आपका हाइड्रोजन पे और उसी आपका चार्ज डिफरेंस आ रहा है। समझ पड़ा बच्चा विवेक? यस सर। इतना है। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों अब देखो, अभी हमने जितना भी पार्ट पढ़ा हम उसको एक बार प्रॉपर रिवाइज करते हैं, हमें ना जितना भी हमने पार्ट पढ़ा हम उसको एक बार प्रॉपरली रिवाइज करते हैं। ठीक है बच्चा, डन, रिवाइज करिए ना। यस सर, ओके अब हम यस उसको 2 मिनट रिवाइज करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, इसमें डायपोल प्रोडक्ट नेगेटिव पर चार्ज होते हैं क्या? दोनों बच्चों मैं आपको बताता हूँ, दोनों रुको वेट करिए, देखो बताता हूँ। अब देखो जब हम बात करते हैं इसके, जब हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा अगर यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका क्या है, बेंजीन है, क्या बच्चों यहाँ पे बेंजीन है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे अगर ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो क्या करता है, जो आपको इलेक्ट्रॉन को देता है, तो क्या बच्चों कैसा होगा ये, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका न्यूक्लियोफाइल जैसा, या आपके न्यूक्लियोफाइल जैसा करेगा, और क्या बच्चों एक आपका होगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करे बच्चों, करता है या तो आपका ऑर्थो पे करता है, क्या करे बच्चों, ये तो वो आपका या ऑर्थो तो पे पैर करेगा पे, या तो पैर पे करेगा, या तो पैरा पे करेगा। अब ये ऑर्थो पैरा पे क्यों करता क्यों करता बच्चों, बिकॉज जब इसका रेजोनेंस बनता है, इससे क्या होता है बच्चों, हम ये देखते हैं आप क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑर्थो पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है और आपका पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है बच्चों। ये ये सर आपका क्यों ऑर्थो आता है? पे नहीं जाता, इसके क्या होगा बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ पे अटैच, यहाँ पे आकर अटैक करेगा। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने एक ऐसा रिएक्शन पढ़ा सैंडमैन रिएक्शन, उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हम उसके अंदर अराइल हलाइड को बना देते हैं, अराइल हलाइड को बना देते हैं, और कौन सा रिएक्शन था बच्चों, वो था आपका सैंडमैन रिएक्शन, वो आपका सैंडमैन रिएक्शन था बच्चों। उससे हम क्या करके था बच्चों, क्या करते हम उसमें एनिलीन ले रहे थे, हम उसमें एनिलीन ले रहे थे, और क्या था बच्चों, क्या था रिजल्ट बच्चों, NaNO2 प्लस हाइड्रोजन हलाइड, हाइड्रोजन और क्या हाइलाइट। क्या क्या 0 से 5 डिग्री इतना मेंटेन किया। देखो ये मेंटेन करना जरूरी है, अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। और हाँ आपको जान के इम्पोर्टेंट होगा, हमने जो रिएक्शन, ये हमने ये जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, हमने कॉलेज में हमने ये रिएक्शन किया है, और ये रिएक्शन को करने के लिए 7 से 8 घंटा लगता था करने का, पूरा इंस्ट्रूमेंट था हमारे पास करने का। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट करोगे ना तो आपको मजा और आएगा, इसलिए बोलो बच्चों आप NITs IITs ये सब प्रीमियम कॉलेज पढ़ोगे ना, तो आपको सच में जो हम पढ़ते हैं ना, आप उसका जब प्रैक्टिकल अप्रोच करोगे तो आपको और मजा आएगा कि हाँ ये भी सीखने मिल जाए। ठीक है ना, ये आपको बच्चे उससे क्या होता है बच्चों, क्या बनता है, यहाँ बनता आपका बेंजीन डाइजोन क्लोराइड, क्या बनता आपका यहाँ पे, बनता आपका N2 पॉजिटिव बनता है, और आपका यहाँ पे X नेगेटिव बनता है। और क्या कह रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन ये क्या बना आपका बेंजीन डाइजोन क्लोराइड बना बच्चों। फिर क्या किया बच्चों मैंने, ये किया अगर क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका CO2 Br2 ऐड करता हूँ, या क्या करता हूँ CO2 H2 ऐड करता हूँ, क्या होगा बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट, बेंजीन ऊपर आपका ये आ जाए, मतलब कि आपका हेलोजन, यहाँ पे आपका हेलोजन आ जाएगा। अभी तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, क्या हो सकता है बच्चों, या तो आपका CO2 Br2 हो सकता है, या तो आपका CO2 Cl2 हो सकता है, क्या बने ये दोनों। अगर ना अगर आपको क्या, आपको एडिंग ऐड करना, तो एडिंग क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों, आपको ऐड करेगा आपका Ki, आपको एडिंग के लिए Ki ऐड करना,
इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, सारे बच्चे यस यस सर सर ओके ये पार्ट समझ। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने आपका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ाई किया। मैंने क्या बोला बच्चों, जिसका आपका एटॉमिक मास ज्यादा होगा आप क्या होगा, आपका आपका एटॉमिक वेट होगा उसमें क्या होगा, हायर वॉल्यूमेट्रिक वेट होगा। क्या होता है बच्चों, CH3 का ज्यादा आएगा कंपेयर टू CHF, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या मैंने बोला बच्चों, अगर आपका कार्बनिक है और हेलोजन क्या रहा है, बढ़ता जाए, क्या होगा आपका, जिसका ज्यादा हेलोजन होगा उसका मास ज्यादा आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल समझिए जरा पढ़ बच्चों, हाँ या ना, डन। यस सर यस सर अब ये पार्ट आई गेस ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट सबको दिख रहा होगा बच्चों, हाँ या ना। यस सर यस सर यस दिख रहा है। सर यस सर अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है राइट, और एक कौन सा रिएक्शन बच्चों, ये आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका हेलोजन एक्सचेंज होता है, क्या आंसर आएगा बच्चों, कैसे आंसर आएगा, आप क्या बोलोगे, सी थ्री एच टू हो जाएगा CH2 हाइब्रिड, ये क्या होगा, यस यस का आंसर। दूसरा क्या बच्चों, फोर्थ, ये क्या बच्चों कौन सा है, ये आपका डार्जन रिएक्शन है, ये आपका डार्जन रिएक्शन होता है, ऊपर क्या आएगा बेस आ जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, ये सब बनेगा, आंसर क्या आएगा बोलो बच्चों, क्या आएगा आंसर, नथिंग CH3 बोलो CH2 CH2 ये हम कैंसिल। अब देखो अब यार पार्ट देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे आपका HBr आ गया और यहाँ पे यहाँ पे HBr, तो देखो कैसे बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन क्या डबल बॉन्ड है, क्या बच्चों आपका यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो अगर क्या होगा बच्चों, क्या होगा, अगर क्या लिखा होगा, अगर आपका सिर्फ HBr लिखा होगा, अगर आपका सिर्फ HBr लिखा होगा तो क्या होगा बच्चों, तब वहां पे आपका मार कोनिक का रूल फॉलो होगा। और क्या लिखा बच्चों, अगर अगर आपका HBr और आपका क्या लिखा होगा परोक्ष लिखा, तो क्या होगा बच्चों, क्या आंसर आएगा, यहाँ पे होगा आपका एंटी एंटी मार्क, मार्कोनिक ऑफ रूल। यहाँ पे आपका एंटी मार्क होगा, ये पता होना चाहिए, समझे बच्चों, एल पार्ट डन। यस सर यस सर यस यस सर यस सर यस। अब देखो बच्चों, अब देखो ये एल पार्ट ये तो हम करेंगे बच्चों, अभी हम एंटी मार्क वॉल्व हम करेंगे बच्चों। देखो अब यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ वन आयोडोब्यूटेन, क्या बना आपको, आपको आयोडोब्यूटेन बनाना है, मतलब आपको ये बनाना है, दैट इज CH3 CH2 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 आई बनाना है, ये आपको बनाना है, और कहाँ से बनाना बच्चों, फ्रॉम वन ब्यूटेन बनाना है, मतलब आपको यहाँ से बनाना, दैट इज CH3 CH2 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 से बनाना है। अब मुझे बताओ आप यहाँ से यहाँ तक कैसे लेके आओगे, मुझे बताओ कैसे लेके आओगे, पर दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा, आपका आंसर आ जाएगा, सर कैसे लिखेंगे। पहले तो इसका क्लोरोब्यूटेन रहेंगे ना, हाँ तो क्लोरीन में कैसे बनेंगे बच्चों, क्या स्टेप है आपके पास, डार्जन रिएक्शन, टार्जन इज, देखो आप कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हो, हम आप यहाँ पे कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हो, क्या है बच्चों, मांग चो मैंने आपका ये डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने, आपका ये डाल दिया, दिस PCl5 डाल दिया, तो क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे सिली बनेगा, लेकिन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपका SOCl डाल दिया, क्यों बच्चों, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये ऐसा बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 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 Cl बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया, आपको अब आयरन डाल के, तो कैसे क्या करोगे बच्चों, कौन सा नेम रिएक्शन आएगा, आप क्या करोगे, फ्रैंकलिन सिंगल रिएक्शन आएगा, क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे आप सोडियम आयोडाइड, NaI और क्या क्या लिखा पे लिखोगे आपका एसीटोन, एसीटोन क्या मतलब, आपका ये बन गया, तो क्या बच्चों ये कैसे क्या, आपने आपने इसे क्या कन्वर्शन किया, आपने इसका कन्वर्शन किया बच्चों, तो आपको एग्जाम में ना ऐसे पूछे जाएंगे एग्जाम के, यहाँ पर समझ गए बच्चों, हाँ या ना, इजी है ना, यस सर यस सर अब देखो यस सर अब मैं मुझे बताओ, देखो वन क्लोर ब्यूटेन से वन ये कैसे बने बच्चों, ये तो बहुत सिंपल है, वन सिंगल क्लोर ब्यूटेन आगे रिएक्शन कैसे करोगे, फ्रैंकलिन रिएक्शन किया ना, क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे क्या ऐड करोगे, सोडियम एडेड इस करोगे, क्या करोगे यहाँ पे आपका एसीटोन यूज करोगे इस तरह, ठीक है बच्चों, इतना पार्ट सबको समझ गए, समझ गए बच्चों, डन। यस यस सर यस सर अब देखो अब ये लिखा, अभी क्या लिखा बच्चों, अभी ये लिखा है दैट इज वन ब्यूटीन, मतलब क्या होगा बच्चों, चार कार्बन होगा और क्या होगा, पहले में डबल बॉन्ड आएगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे ऐसा बनेगा,
ये सी एच टू आएगा, यहाँ पे एच 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 एच एच, ये बन गया। आपको कहना बच्चों आपको यहाँ से क्या बना, आपको एडिबिटिव बनते क्या क्या करोगे बच्चों, यहाँ यूज करोगे यहाँ पे आपका एंटी मार्कर यूज होगा बच्चों। अब ये एंटी मार्कर क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो कैसे करें बच्चों, ऐसे करेंगे दैट इज क्या करेंगे हम यहाँ पे एच आई एड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे आपको यहाँ लिखेंगे आपको एच टू ओ टू, या तो ये लिखोगे लिखोगे आप परऑक्साइड, लिखोगे आपका पर ऑक्साइड होगा बच्चों। तो क्या बने बच्चों आपका ये बन जाए दैट इज सी एस सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू आई, ये आपका आंसर बन जाए। समझिए बच्चों, देखो अब ध्यान समझो बच्चों कि मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको क्या फर्क होता है। तो मार्कोनिको क्या कहता है बच्चों, आप क्या बोलोगे जिस कार्बन पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा या तो हाइड्रोजन नहीं होगा वो क्या होगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, राइट बच्चा? हाँ या ना? यस सर। तो एंटी मार्कोनिको क्या कहते बच्चों, आप क्या बोलोगे जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या बनेगा, वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आपका 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 बॉन्ड कैसे बनेगा, आपका बॉन्ड ऐसे, आपका बॉन्ड ऐसे बनेगा, आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, कैसा हो ऐसा ऐसा बन जाएगा, ये आपका बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा आपका पॉजिटिव। अब क्या हो बच्चों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या है बच्चों क्या होगा, ये आपका यहाँ पे अटैक होगा और ये आपका यहाँ पे अटैक होगा। समझिए बच्चों, तो क्या बन जाएगा आपका ये वाला पार्ट आंसर बन जाएगा। इतना पार्ट सर समझ गए बच्चों। तो मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको क्या डिफरेंस आ रहा है, तो मार्कोनिको क्या आएगा बच्चों जिस कार्बन कार्बन की आपका डबल बॉन्ड है और क्या होगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा आपका, वहां पे आपका बी आर आई का अटैच होगा। अब देखो अब जिसे रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट इस रियल पार्ट इस रियल पार्ट, इसमें क्या होगा बच्चे देखो सी एस थ्री सी एस टू सी एच रियल पार्ट है। अब देखो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका दो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लिखा बच्चो एच बी आर और आपका पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, कैसा आएगा देखो बॉन्ड कैसे होगा, बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा, ये ऐसा बॉन्ड क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा। अब क्या बच्चों ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा, आंसर क्या आएगा बच्चों आपका, आपका आंसर ये बन जाएगा दैट इज सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू बी आर। आ गया बच्चों एल्पार्ट, सबको समझ में आया बच्चों हमने एल्पार्ट कैसे किया? यस सर यस सर। अब अगर अगर मैं बात करता हूँ इसकी बात करता हूँ अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसलिए क्वेश्चन तो करना क्या पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा मुझे इसका रिएक्शन बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे बनाएंगे देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। देखो यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका सी एस थ्री है, यहाँ पे आपका सी और एच है, क्या बच्चों डबल बॉन्ड है कार्बन और क्या बच्चों आपके दो सी एल है, तो दो मिथाइल है, एक मिथाइल यहाँ पे है एक मिथाइल यहाँ पे। अब देखो अब क्या बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड है। देखो इसके क्या बच्चों इस कार्बन पे कोई भी आपका हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो क्या आपका बी आर कहाँ पे अटैक होगा बच्चों, आपका बी आर यहाँ पे आकर अटैक करेगा, ठीक है बच्चों, बिकॉज आपके यहाँ पे आपका एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा बच्चों बॉन्ड कैसे होगा, बॉन्ड आपका ऐसा ब्रेक होगा कैसे, तो क्या होगा ये आपका नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा। हाँ ना बच्चों, हाँ ना, ये आपका पॉजिटिव है, ये फिर क्या होगा ये बियर का है, ये बियर आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा टकने, तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, आपका आंसर ऐसा होगा क्या बच्चों होगा, आपका बियर यहाँ पे क्या अटैक होगा और यहाँ पे आपका एच आता है, तो ये आपका होगा आंसर। समझ में तेरे बच्चों, देखो अगेन बोल रहा हूँ, यस सर यस सर यस सर, ये जो पूरा पार्ट किया है अगर आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया है तो मैं बोल सकता हूँ आपको इस चैप्टर में बहुत सारा पार्ट समझ में आ गया है। इससे बोलो बच्चों कलम क्या करेंगे बच्चों, करेंगे कलम एसएन वन एसएन टू रिएक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और क्या हो बच्चों, और मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको मैं ये बताऊंगा दैट इज क्या बोलते हैं, फिर आपका एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा, फिर आपका और भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो तीन चार होगा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका एक क्या होगा बच्चों, एक आपका होगा आपका स्टीरियोकेमिस्ट्रियल पार्ट, एक आप बेसिक मतलब आपका चार लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन ना हमको दो लेक्चर और भी इससे चाहिए बच्चों, बिकॉज हमें क्या करना है आपको प्रीवियस ये क्वेश्चंस करना है और आपको एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है हमको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यस सर यस सर। देखो बच्चों
देखो बच्चों, अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको हर एक स्टेप बता रहा हूँ, आपको आपका ये भी जिम्मेदारी बनता है, आपको हर पार्ट करना है खुद से एग्जाम में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने सब कराया और फिर आप एग्जाम में जब भूल जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सारे नियम मेशन बारे पढ़ा, क्या सब कुछ बता रहा हूँ, आपको प्रॉपरली पढ़ाई करना ही है, ठीक है बच्चों? मैं बहुत सब पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको देखो, आप देखो, हम 1 घंटे में सिर्फ 2-3 स्लाइड पढ़ रहे हैं, प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। नहीं समझ आप पूछो, बताऊंगा, लेकिन आपको गलती नहीं करना। डन? यस यस सर, सर, यस सर। सर एक चीज पूछनी थी सर, हाँ बोलो बच्चा, बोलो। जो आपने इक्वेशन फॉर आयोडो ब्यूटेन बनाने के लिए लिखा है।